ये कहानी है करोड़ों रिस्पॉन्स की, जिनमें से कोई एक ही जाके एग को फर्टिलाइज कर पाता है। ये कहानी है आपकी और हमारी, जिसे हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन के नाम से। फर्टिलाइजेशन जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान 300 मिलियन ऑफ स्पर्म वेजाइना में जाते हैं। वेजाइना का मीडियम एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म्स इसमें मारे जाते हैं, लेकिन सीमेन का अल्कलाइन मीडियम होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म बच जाते हैं, जो कि सर्विक्स से होते हुए यूट्रस की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी ओपनिंग शुरुआत में बंद होती है लेकिन ओवुलेशन के दौरान ये खुल चुकी होती है। अब स्पर्म्स यूट्रस की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मौजूद वाटरी म्यूकस की वजह से इनको जाने में बहुत ही साधारण सहायता मिलती है, लेकिन इसी वाटरी म्यूकस की मौजूदगी की वजह से बहुत सारे स्पर्म्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जो कि बाकी स्पर्म्स को भी जाने में रोकते हैं, लेकिन कुछ किस्मत वाले स्पर्म आगे ट्रेवल कर पाते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की मदद से बहुत सारे स्पर्म यूट्रस की तरफ और फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे मौजूद होते हैं ल्यूकोसाइट। यूट्रस में मौजूद ल्यूकोसाइट बहुत सारे स्पर्म्स को खा जाता है, जिसको हम जानते हैं WBC के नाम से, और कुछ ही स्पर्म्स हजारों की संख्या में स्पर्म्स अपना रास्ता ढूंढ पाते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में जा पाते हैं। किसी एक फैलोपियन ट्यूब में एग होता है, तो एक सीलिया की मदद से एम्प्लोरिस्टमिक जंक्शन तक पहुंचता है, फिर बहुत सारे स्पर्म्स इस सीलिया में फंस के अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन यूट्राइन में मौजूद सिक्रीशन की वजह से स्पर्म का कैपेसिटेशन हो पाता है। इस कैपेसिटेशन से स्पर्म बहुत तेज़ी से बढ़ पाता है, और वो घड़ी आ जाती है जब करोड़ों स्पर्म्स में से कुछ हजार स्पर्म्स अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर मौजूद कोरोना रेडिएटर से होते हुए कुछ स्पर्म्स जोना पेलोसुडा तक पहुंच पाते हैं। जैसे ही स्पर्म जोना पेलोसुडा के पास पहुंचता है, तो जोना लाइसिन की मदद से एक रिएक्शन होता है और वो जोना पेलोसुडा को फाड़ के अंदर आ पाता है। कौन? स्पर्म। अब जब स्पर्म जोना पेलोसुडा को फाड़ के अंदर आ चुका है, तो वो मिलता है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसे ही एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये मिलता है स्पर्म, तो कुछ ही मिनटों में ये फ्यूज करके एग के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। आखिरकार इस स्पर्म में के जाते ही कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जो रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स, जो ये इंश्योर करते हैं कि और भी स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाए और स्पर्म एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार नहीं हो पाता। इसी कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से जोना पेलोसुडा और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म उसमें फंस जाते हैं और ज़्यादा स्पर्म उसको अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। जैसे ही स्पर्म उसमें छेद नहीं पाते हैं, तो उस दौरान मौजूद एग के अंदर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, उसमें मौजूद क्रोमोसोम सुलझने लगते हैं। सुलझ के 23 क्रोमोसोम बनाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रो न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस। स्पर्म में मौजूद जो सेंट्रियोल होता है, वो सेकेंडरी ओसाइट का मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कराने में मदद करता है, और इसके दौरान एग कम्प्लीटली मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से एक नए जीन का निर्माण होता है और कंप्लीट 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं।
और यही निर्धारित करते हैं कि ह्यूमन बींग का कलर, हाइट और बनावट, चेहरे की पहचान कैसी होगी। आखिरकार जायगोट बन जाता है और सीलिया की मदद से फिर ये यूट्रस की तरफ बढ़ने लगता है। ये यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम लेयर में धंस जाता है और अगले 9 महीने के लिए ये वहाँ पे तैयार होता है।